दोस्तों, आज के समय में विज्ञान की वजह से इंसान जितनी तरक्की कर रहा है उतनी तरक्की इंसानों ने पहले कभी नहीं की थी। जब से विज्ञान ने हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दस्तक दी है तब से इंसानों की ज़िंदगी बहुत ही आसान हो गई है। आज लोग इंटरनेट की वजह से मुश्किल काम भी बड़ी आसानी से कर रहे हैं और एक स्मार्टफोन की वजह से हम लाखों किलोमीटर दूर बातें कर पाते हैं, काम कर पाते हैं और ये सब विज्ञान की वजह से ही तो मुमकिन है। आजकल का एक छोटा सा स्मार्टफोन भी कई कंप्यूटर्स के बराबर काम करता है। एक तरह से इंटरनेट, फोन ये हमारी ज़िंदगी के एक अहम हिस्सा बन चुके हैं और इन्हीं सब चीज़ों को चलाने के लिए सबसे ज़रूरी कोई चीज़ है तो वो है बैटरी। जी हाँ, बैटरी। बैटरी से हर चीज़ को पावर दी जाती है, चाहे वो मोबाइल हो या फोन या कार, जिसे हम जहाँ चाहे अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर पाए। जो कि विज्ञान की नज़र से किसी पावर को स्टोर करने पर कभी ना कभी उसकी क्षमता खत्म हो जाती है और हमें उसे बार बार चार्ज करना पड़ता है, जो कि ज़रा तकलीफ दह काम है। पर आज इस वीडियो में हम एक ऐसी बैटरी के बारे में बात करने वाले हैं जो एक बार चार्ज होने पर 28,000 साल तक चल सकेगी। जी हाँ, 28,000 साल। आपने सही सुना, ये नामुमकिन सा लगने वाला काम मुमकिन कर दिखाया है अमेरिका की एक कंपनी ने। दरअसल एनडीवी नामक कंपनी ने 28,000 साल तक चलने वाली बैटरी को बनाया है जिसको 28,000 साल तक चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है और एक बैटरी 28,000 साल तक कैसे चल सकती है। तो रिपोर्ट्स के अनुसार ये बैटरी न्यूक्लियर वेस्ट यानी परमाणु कचरे से निकलने वाले रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को नैनो डायमंड्स की अल्ट्रा स्लिम परतों के साथ मिलाकर बैटरी का आकार दिया गया है। ये बैटरी रेडियो एक्टिव ग्रेफाइट से पावर हासिल करती है। ग्रेफाइट कूल्ड परमाणु रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है जो कि बहुत ही पतली क्रिस्टल हीरों के परतों से जुड़ी हुई है। उसमें हर एक यूनिट में एक क्रिस्टल हीरा होगा जो आइसोटोप्स ऑफ पावर को अब्सॉर्ब करता है। इन हीरों में हाई पावर कंडक्टिविटी होती है, जिसका मतलब है कि ये रेडियो एक्टिव ग्रेफाइट से बहुत जल्दी गर्मी को ट्रांसफर करता है और ये प्रोसेस इतनी जल्दी होती है कि जिससे बिजली पैदा होती है। पर आप ये बात जानकर घबरा गए होंगे कि इसमें परमाणु कचरे का इस्तेमाल होता है, तो क्या इसे परमाणु रेडिएशन का खतरा नहीं? तो आपको बता दूं, इसमें उपयोग किए जाने वाली डायमंड लेयर्स न केवल चार्ज जमा करती है बल्कि रेडिएशन को भी फैलाने से रोकती है। साथ ही कंपनी ने यह भी दावा किया है कि इस बैटरी से बहुत ही कम मात्रा में रेडिएशन निकलेगा जिससे इंसानी जान का कोई खतरा नहीं होगा। तो ये थी डायमंड न्यूक्लियर वोल्टाटाइक नामक एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बैटरी डिजाइन। दोस्तों, ये बैटरी इतनी ताकतवर है कि ये इंसान की 400 पीढ़ियों को बिना रिचार्ज किए पावर सप्लाई कर सकती है। मतलब आपकी घड़ी, मोबाइल, लैपटॉप, कार आपकी कई पीढ़ियां यूज कर सकेगी। साथ ही मजे की बात ये भी है कि आज की गई व्हाट्सएप, चैट, फेसबुक ये भी आपकी कई पीढ़ियां देख सकेगी। साथ ही कंपनी का ये भी मानना है कि इसका उपयोग मेडिकल क्षेत्र में भी किया जा सकता है जिससे पेसमेकर और अन्य उपकरणों में ये बैटरी बहुत ही मददगार होगी। साथ ही इस बैटरी की मदद से आप अपने घर को भी पावर सप्लाई कर सकते हैं। तो एनडीवी कंपनी ने यह भी कहा है कि अगले 2 साल के अंदर इस बैटरी का प्रोडक्शन भी शुरू करेंगे, पर शुरुआती तौर पर इसे अंतरिक्ष एजेंसियों के लंबे समय के मिशंस के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको इस 28,000 साल तक चलने वाली बैटरी के बारे में जो एक तरह से इंसानों की ज़िंदगी ही बदल देगी? पर इसके साथ सवाल यह भी है कि भविष्य में बहुत ही मात्रा में इसका उपयोग होने पर जब ये खराब होंगी तब परमाणु कचरा बनने का भी खतरा है। तो इसके इतने सारे फायदे हैं तो इसके इस एक समस्या पर भी वैज्ञानिक जल्द ही कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो इस बैटरी के बारे में? साथ ही कमेंट्स में हमें ये भी बताइए कि जब ये बैटरी आम लोगों के लिए उपलब्ध होंगी और सुरक्षित होंगी तो क्या आप इस बैटरी को इस्तेमाल करना चाहेंगे? आपकी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो एक्सट्रीम हिंदी को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक करें ऐसे ही मज़ेदार और नॉलेज से भरपूर वीडियोस देखने के लिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।